लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान होगा। नमस्कार। नमस्कार भैया, थोड़ा बताइए भैया, आपको क्या लगता है इन कानूनों के बारे में? कानून बिल्कुल अंधा कानून है सर। यहाँ गरीब का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है सर। किसान भूखे मरेगा, आप सुसाइड करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है सर। आपको ये डर क्यों लग रहा है कि MSP जाएगी? नहीं सर, ये सब जुमलेबाजी है सर, इनकी बात में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। ये किसानों से, छोटे किसान हो या बड़े हो, सबसे धोखा कर रहे हैं। बहुत बुरा, मतलब हमारे साथ तो ये अत्याचार हो रहा है कि हमें किसान को कुछ नहीं बचेगा किसी हालत में भी। अगर इन्होंने ये सिर्फ एक गारंटी दे दी MSP की, अगर कोई कम रेट पर कोई खरीदेगा, कोई एजेंसी या कोई किसान या कोई किसी किस्म की जो है ये प्राइवेट कंपनी, तो उनको दंडनीय अपराध माना जाए। MSP से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी ही नहीं थी। ये कानून में एक ऐसा प्रावधान कर दिया है इन्होंने कि MSP के रेट में कोई माल खरीदने का कोई विरोध नहीं रहेगा, यानी कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा और उसको विरोध करना चाहेंगे किसान तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। इस विधेयक से ना किसी जनता का भला होने वाला है, ना शेतकरी वर्ग का कौन सा भला होने वाला है। इस विधेयक से सिर्फ कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। जो भी हम उत्पादन जैसे एकाधिक कंपनी ने लेके गए तो हम उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम उनके रिलायंस वाले के घर पे जाके रो नहीं सकते, वो तो हमको डंडे मार के ही खिदाड़ेंगे वहां से। हमको कुछ पैसे वाला नहीं दिए समझ लो, हम तो डूब गए ना, मर गए ना, फिर क्या खाने वाले, क्या करने वाले। किसान की जो लागत बढ़ती जा रही है, जो फसल बीमा है कि पहले 400 रुपए कुछ होया करता कपास के, करगा आज 1600 रुपए कुछ करने लग रहे हैं, यानी वो 3-4 गुना बढ़ा दिया। सबसे खराब क्या लगता है इन तीन कानून में से? सबसे खराब तो ये है जी, ये जो 3 अध्यादेश है किसान को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं जी। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है तो ये MSP के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? डेली TV पे बोलते हैं और कुछ करते हैं तो उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते भी? अगर MSP से कम लेगा उसको हम जेल में डालेंगे, क्यों नहीं करे ऐसा? ये कल अडानी अंबानी हराएंगे, वो खरीदेंगे नहीं, वो तो बीच में दलाल भेजेंगे। किसान का अगर कोई भी फसल जाएगी तो 200-400-500 रुपए जाएगी जी। अडानी डायरेक्ट तो किसान के पास आएगा नहीं, वो बीच में दलाल छोड़ देगा। आज किसान का जो काम है आर्थिक के थ्रू चला रहा है अपना काम, उनको ये दलाल बोलते हैं। दलाल तो अब आ जाएंगे कारपोरेट जगत के हाथों जब इसको बेचा जाएगा। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंग्लैंड से भाव निकलती थी कपास का और पूरे वर्ल्ड में वो भाव में कपास किया जाता था। तार से बंबई आता था, बंबई से यवतमाल आता था और यवतमाल से सब व्यापारी वही भाव में माल खरीदते थे, लेकिन दूसरे के तार बाद में मिलते थे, इन व्यापारियों के तार पहले मिल जाते थे। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। 100% वैसे ही होगा, कारपोरेट जगत के लोगों को माल सस्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का तो वो ग्राहक को 4-3 गुना 4 गुना भाव में बेचेंगे। उसलिए ग्राहकों की भी लूट होगी, किसानों की भी लूट होगी और किसानों को प्रॉपर भाव न मिलने से आत्महत्या काफी बढ़ेगी किसानों की। आपका कहना है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आई है। हाँ, वेस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी आ जाएगी। जो हमारा जो देश का पोशिंदा है, हमारा देश खेती प्रधान बोलते है लेकिन अभी एक कंपनी प्रधान देश होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP रहेगी, उसको नहीं बदला जाएगा, उस बात को आप मानते नहीं हो या क्या विचार है आपका? नहीं सर, उनको तो हम मानते ही नहीं है क्योंकि आज वो क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा जो कामगारों के लिए एक विधेयक था, कायदा था, उसको कंपनी को उन्होंने टर्न ओवर कर दिया क्योंकि अभी वो जो कंपनी में जो कामगार रहने वाले थे उनके जो लिए नियम था उनका नियम हटा के वो कंपनी के हाथों में दे दिया और कंपनी कभी भी उनको निकाल सकती है, ऐसा कायदा आप बना दिया। मैं भी घबराया था मरने की डर से, लेकिन कोरोना से भी ज्यादा डर अभी इस कानून का मुझे लग रहा है कि अगर मेरी जमीन मेरी अगली पीढ़ी के नाम से अगर नहीं रहेगी। देखिए,
कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी अपने फायदे के लिए मुनाफे के लिए धंधा करता है, ये सरकार नहीं है। सरकार जो ज्यादा कमाता है उसके पास से दो पैसे लेकर गरीबों में बांटता है, गरीबों को सहूलियत देता है। ये अमीरों की पार्टी है और अमीरों की पार्टी ही रहेगी। ये छोटे किसानों छोटे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। इस अध्यादेश से तो किसान को खत्म करने के ऊपर तो लड़ना चाहिए, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सारे खत्म हो जाएंगे जिससे तो। और करेंगे क्या अगर ये खत्म हो जाएंगे, कहां जाएंगे ये? बर्बाद करेंगे, जिसको कारपोरेट का हाथों भेज देंगे जी सारे सिस्टम को। सारा अंबानी अडानी हर के हाथ में दे देंगे जी सारे सिस्टम को। हाँ। मजदूरी कराऊंगे जी फिर किसानों के पास, जो अंग्रेजों का जो राज था वो राज आ जाएगा जी वापिस। इस देश को बर्बाद कर देंगे जी, हर चीज का निजीकरण करने लग रहे हैं, हर चीज को बेचने लग रहे हैं, एयरपोर्ट उनको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, छोड़ नहीं रहे जी किसी चीज को। जो व्यापारी है उसे हमको एडवांस पैसा कुछ काम पड़ता था तो लेते थे, अब पैसा भी देना बंद कर दिए कि हम धान नहीं लेंगे, गेहूं नहीं लेंगे, कम पैसा कैसे देंगे। भैया इस सरकार में हम लोग बड़ी क्षुब्ध है, हम लोग चाहते हैं कि जो 2006 में जो बिल लागू हुआ था वो फिर से लागू हो, बिहार में लागू हो हम लोगों को बस। और जो अभी कानून जो कायदे बनाए इन्होंने, समझो पहले तो कानून कायदे ऐसे है कि बहुत काश्तकार के विरोध में है, और अभी ये दूसरे तीन कायदे आए समझाइए तो इससे तो बहुत काश्तकार परेशान होने वाले। भट्टा परसोल में और उत्तर प्रदेश में देखा कि किसान के पास जो है, जो संगठित उद्योगपति है बड़े वाले, वो जमीन भी चाहते हैं फसल भी चाहते हैं। और पहली लड़ाई जो मैंने लड़ी वो जमीन अधिकरण की थी और वहां पे मैं अड़ गया था और उसके कारण पूरे के पूरे मीडिया ने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया और वो मैंने झेल लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपने जो कानून 11-12 में लाया था भूमि अधिग्रहण कानून, वो कानून से आज किसानों को लाखों और कुछ कुछ लोगों को करोड़ों रुपए मिले हैं, आज तक उन्होंने देखा नहीं है इतना पैसा, क्योंकि वो 1894 का कानून था, वो इंग्रज के जमाने का कानून था, वो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें किसानों की लूट होती थी। वो आपने देखकर आपने अभ्यास करके जो कानून बनाया 11-12 में वो किसान के फायदे का कानून हुआ, और वो किसान के फायदे का कानून मोदी जी ने पलटाने की कोशिश की, लेकिन उनको आपकी ताकत के सामने उनको यश नहीं आया है। देखिए महाराष्ट्र में अभी हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, और 13 मिनट में एक किसान की मौत हो रही थी, लेकिन अब जिस हालात में आज किसान हो जाएगा उसकी हालात को बचाने के लिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई किसान को बचाएगा। आप लोग सब मेहनत करके और इस काम को उठा के और इस किसान को बचाने का कार्य करोगे देश का बहुत भला होगा, किसान का तो भला होगा ही। जो पीछे पूर्व जो सरकारों ने काम करे थे जो देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, युवा के लिए, उस चीज को सब गोबेस अधिकरण करने लग रहे हैं। न तो देश के किसान के पास काम रहेगा, न युवाओं को रोजगार रहेगा जी। महात्मा गांधी जी ने 1917 में पंचारण बिहार से नील का आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद में बारडोली का आंदोलन हुआ। सरदार पटेल जी का नाम लेने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि बारडोली का आंदोलन क्या था, नमक का आंदोलन क्या था, और उसके बाद में हमारे ही विदर्भ में बनने वाली कपास, जो चरखा जिस कपास की सूत पर चलता है, वो कपास का प्रतीक जो चरखा था गांधी जी का, वो चरखा आज हमारे आजादी के आंदोलन के परचम पे था। मैं पुनर्जन्म तो मानता नहीं हूं, लेकिन आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कानून की तहकीकात होना चाहिए। उसमें कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, झूठ था। लक्ष्य था जो हमारे असंगठित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कमजोर किया जाए। उसके बाद में GST आई, उसका भी यही लक्ष्य था। कोरोना के समय जब पैसा देना था, पैसा नहीं दिया, सबसे बड़े 2-3-4 उद्योगपतियों को दिया, उनकी आमदनी बढ़ती गई कोरोना में, आपकी आमदनी गिरती गई, मगर तब भी पूरा का पूरा पैसा उनको दिया। लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है, और जो हिंदुस्तान का धन है उसको लेने का है। ये जो तीन कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और GST में कोई फर्क नहीं। फर्क ये है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है,
तीन बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया है। और ये मीडिया आपको बताएगा नहीं, ना अखबार में दिखेगा, ना टीवी में दिखेगा, ना सोशल मीडिया में दिखेगा। मगर मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। इन्होंने इस देश को खड़ा नहीं किया, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनको समझ ही नहीं है। और आपने जो बात बोली, बहुत गहरी बात बोली, कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है, किसान की आवाज में बहुत दम है। और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी, किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।